हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ की एट्थ की जो वर्कशीट है ना, बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट, इसके बारे में 28/8/2023 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट का कोई भी साइज़ नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल बनाना है और साथ ही साथ देखिए, आपको बता दूँ इसका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। इसकी ड्रॉ करनी है इमेज भी, जो एग्जांपल लिखोगे इसकी इमेज भी बनानी है, तो एक आधा ही एग्जांपल लिखकर इमेज बना देना है। देखो पॉइंट की अगर बात करें तो ये पेन की जो टिप होती है ना, टिप ऑफ पेन, लिखो टिप ऑफ पेन, ये पॉइंट हो जाएगा। एक लाइन क्या है, एक लाइन जिस जो क्या है बिगिन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, दोनों तरफ से ये बढ़ाई जा सके और रिप्रेजेंट करी जाएगी हमेशा दो कैपिटल लेटर से और एक या फिर स्मॉल लेटर से। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रोड उदाहरण, क्या हो जाएगा रोड, क्या हो जाएगा रोड, इसका उदाहरण हो जाएगा। लाइन सेगमेंट की देखिए अगर बात करते हैं, किसकी लाइन सेगमेंट की अगर बात करते हैं, तो लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का, जिसके दो एंड होते हैं, डेफिनेट जो होता है इसकी लेंथ होती है और इसे किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाया नहीं जा सकता है, हमेशा दो कैपिटल लेटर से इसे लिखा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पेन, है ना, इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल, है ना, इस तरीके से ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। रे की बात करें तो रे जो होती है वो पार्ट होती है लाइन की, जिसका इनिशियल पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है, इनडेफिनेट लेंथ होती है इसकी, है ना, इनिशियल पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा रे की। और डी ई मतलब दो कैपिटल लेटर से इसे हमेशा दिखाया जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा सन रेज, क्योंकि सन सन्स रे लिख लेना, ठीक है, सूर्य की किरण। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।